दोस्तों हुआवे जल्दी अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है इंडिया में, हुआवे Y620 न्यू वेरिएंट के नाम से। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला, इसकी स्पेसिफिकेशन बताने वाला, इसके इस प्राइस रेंज में इसे इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है, कब तक इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हुआवे Y620 न्यू वेरिएंट की। तो वीडियो में बनी चाहिए, तो वीडियो में आगे बढ़ते। मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हो टेक इमरान। वीडियो में आगे बढ़ते बिना टाइम गवाए शुरू कर देते वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुआवे Y620 न्यू वेरिएंट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलेगी 5.7 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, HD पैनल मिलेगा, जो पिक्सल काउंट रहेगा 1440x720 पे आपको पिक्सल काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल मिल जाएगा, उसके साथ आपको 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब थोड़े बेजल्स कम मिलने वाले और स्क्रीन की साइज थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको कोयला का इसका कोई प्रोटेक्शन मिलता है कि इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं फिलहाल के लिए हुआवे की तरफ से। ये तो बात है इसके डिस्प्ले की। बात करते हैं आगे, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, जैसे आपको आईफोन 10 में फेस अनलॉक मिल जाए उसी तरह आपको यहाँ पर भी फेस अनलॉक मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आपको 2D फेस अनलॉक मिलता है, तो ये इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं रहने वाला, तो आप इसमें ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। बात करते हैं आगे, बात करते हैं इसके कैमरे के। रियर में आपको सिंगल कैमरा मिलेगा, 13 MP का सेंसर मिल जाएगा और आपको बैक में LED फ्लैश में मिल जाएगी, लो लाइट में आप अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो। ये तो बात है रियर कैमरे की। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरा आपको दिया जाएगा 5 MP का दिया जाएगा और आपको फ्रंट में भी आपको LED फ्लैश मिल जाएगा अच्छी खासी सेल्फीस लेने के लिए। ये तो बात है इसके कैमरे की। बात करते हैं कुछ मेमोरी की। इसमें आपको 2 GB की रैम मिलेगी, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी और microSD आप एक्सपेंड कर पाओगे 256 GB तक, और सेम टाइम में डुअल सिम कार्ड और microSD यूज़ कर पाओगे। ये अच्छा काम किया हुआ मैंने इस साइड में। ये तो बात है इसके मेमोरी की। बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलेगा Qualcomm Snapdragon 450 ऑप्टा का प्रोसेसर मिल जाएगा हुआवे की तरफ से। ये तो बात इसके प्रोसेसर की। बात करते हैं CPU की। इसमें आपको Cortex A53 CPU मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको CPU मिलेगा Adreno 506 GPU मिल जाएगा, अच्छा खासा GPU और अच्छा खासा प्रोसेसर, ठीक ठाक सा बैलेंस प्रोसेसर दिया गया है मिड रेंज के लिए। ये तो बात है इसके प्रोसेसर GPU की। बात करते हैं बैटरी की। इसमें आपको मिल जाएगी 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और अनफॉर्चुनेटली आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है हुआवे Y620 न्यू वेरिएंट में। सो ये तो बात है इसके बैटरी की। बात करते हैं OS की। इसमें आपको एंड्रॉइड 8.0 ओरियो आउट ऑफ बॉक्स मिल जाएगा और हुआवे की स्क्रीन मिलेगी EMUI 8.0 में बेस रहेगा। तो सो ये तो बात रही हुआवे Y620 वेरिएंट की पूरी स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके लॉन्च के। इसे साउथ कोरिया में हुआवे ने लॉन्च कर दिया। इसे साउथ कोरिया में जिस प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है, साउथ कोरिया में इसे $200 के प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया गया। $200 को मैं इंडिया के हिसाब से INR में कन्वर्ट करके बताओ तो अपर अक्स हो जाता है 13,000 के करीब हो जाता है। थोड़ा महंगा लगता है मुझे 13,000 rupees इस स्पेसिफिकेशन के साथ। आप मुझे ज़रूर बताना आपको सही लगता है कि नहीं, बताओ जरूर कमेंट में। इंडिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हो सकता है इंडिया में भी इसे 13,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च करें, लेकिन बात करो इंडिया लॉन्च डेट की, कंफर्म इन्फॉर्मेशन है किस डेट में लॉन्च होने वाले, लेकिन कुछ रूमर्स ये कह रहे हैं मिड मे तक इसे हो सकता है हुआवे Y6 इंडिया में लॉन्च करते हुआवे की तरफ से। ये तो बात है इसके लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन आप देख सकते हो स्क्रीन में, फ्रंट में आपको आप नीचे साइड में, तो नीचे आपको हुआवे की ब्रांडिंग मिल जाती है, आपको कोई भी फिजिकल बटन नहीं मिल जाता, स्क्रीन के अंदर ही आपको बटन मिल जाता है। बात करते हैं ऊपर साइड के, ऊपर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, सेंसर मिल जाता है, आपको ईयरपीस मिल जाता है और LED फ्लैश भी आपको मिल जाती है। ये तो बात है फ्रंट साइड की। बात करते हैं बैक साइड की। बैक साइड आप देख सकते हो, बैक में आपको कैमरा का सेटअप मिल जाता है, सिंगल कैमरा मिल जाता है, उसके साथ आपको बाजू में LED फ्लैश भी मिल जाता है, नीचे आपको हुआवे की ब्रांडिंग मिल जाती है, लेकिन आपको बैक साइड में आपको कहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, लेकिन आपको फेस अनलॉक मिल जाता है हुआवे तरफ से, लेकिन फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर तो देना चाहिए हुआवे को, क्या बोल सकते अभी हुआवे को। सो ये तो बात थी हुआवे Y620 न्यू वेरिएंट की पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये प्राइस रेंज सही लगा हुआवे Y620 न्यू वेरिएंट की, बताओ जरूर कमेंट में। और आपको वीडियो ज़्यादा से अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, मैं नया आया सर मैंने सब्सक्राइब करके दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह एक्साइटिंग वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।